和妖怪一脚踢开，要怎么登场才气派？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒才明白，要怎么拥有最痛快？一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my life， 你确实失败。我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life， my goal in sight， I give you everything I have to fight to fight。为爱寻求，穿越如海，正确的炽烈在燃烧的舞台。इंसान के सपनों में कई रहस्य छुपे होते हैं, और मैं आपको मेरे सपनों की कहानी बताना चाहती हूँ। सबके अपने अपने रहस्य होते हैं, और मेरा रहस्य ये है कि मैं एक ऐसे इंसान को चाहती हूँ जो मुझे सिर्फ सपनों में मिलता है। तुम्हें इस बार देख कर रहूंगी। हाँ, फिर से जाग गई। हाँ, बस इतनी सी दूर थी, बस इतनी सी दूर थी, उसका चेहरा देखने ही वाली थी। ऊपर वाले, जानते हो ना आज मेरा जन्मदिन है, आज तो मेरी मदद कर सकते थे। युइनान, अब तक सो रही हो, मैं तुम्हारा तंदूरी चिकन युनची को दे दूंगी। तंदूरी चिकन? उठ गई हो ना? हाँ माँ, मैं उठ गई, उठ गई। माँ ने मेरे लिए नए कपड़े बनाए हैं। मेरा नाम है युइनान। मेरी यादों से शुरू करते हैं। मेरी बस तीन ख्वाहिशें थी। पहली ख्वाहिश कि मुझे हर रोज तंदूरी चिकन मिलता रहे। दूसरी ये कि वो बदमाश युइनची मेरा तंदूरी चिकन कभी ना चुराए। और तीसरी कि मैं मेरे सपनों के राजकुमार से मिल सकूं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 3 साल पहले एक जंगली सुअर ने मुझे पूरी तरह से काटा था। मेरी जान तो बच गई थी, पर कई दिनों तक मेरा बुखार नहीं उतरा था, और जब मुझे होश आया तब मैं भूल गई थी मैं कौन हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मुझे अतीत याद नहीं, पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है। युइनान, जाओ अपने भाई को नींद से जगा दो। अगर ये बदमाश युइनची मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खुश होती। मुझे कौन कोस रहा है? युइनान, क्या तुम्हें जन्मदिन का तोहफा नहीं चाहिए? मैं तुम्हें खुद पर पानी डालने दूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे तोहफा देने वाले हो। क्या सोचा था, लालच दोगे तो पानी नहीं डाल।
डालूंगी। तुम हुक्का पी रहे थे ना, मैंने तुम्हें हुक्का पीते हुए देखा। यिंग तुम्हारी खैर नहीं। यूइंग जी, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, तभी मुझे ऐसा शैतान भाई मिला। पिछले जन्म में? इस जन्म में भी तू कुछ कम पाप नहीं कर रही है। मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मेरी बहन कैसे हो सकती है? चला बहुत हुआ। माँ देखो तो ये घर का क्या हाल कर दिया है। ठीक है, अब बहुत हुआ। ये सब साफ करके पड़ोसियों को चिकन देकर आओ और उन्हें दावत का न्योता भी दे देना। इसका जन्मदिन है ना। सुना ना माँ ने क्या कहा। क्या है? मैंने सुन लिया। काम खत्म होते ही सीधे घर आना, समझे? हाँ, समझ गई। समझ गया। और वो खुद मत खा जाना। अब मुझे लात क्यों मारी? हमें उधर जाना है। हाँ? अब भी नींद में हो क्या? जरा मेरे लिए रुको, तुम हमेशा रौब झाड़ते हो। मैं इस छोटे से गांव में रहती हूँ। ये गांव शुशैन पर्वत की गोद में बसा हुआ है। ऐसा कहते हैं शुशैन में महान इंसान जन्म लेते हैं। जब पहले शुशैन में शिष्य पढ़ने आया करते थे, तब हमारे नियान नियान यूयू सराय में बहुत भीड़ लगी रहती थी। पर शुशैन में 3 सालों से कोई पढ़ने नहीं आया, और हमारे सराय का हाल। इसीलिए सब लोगों ने यहाँ पर छाते बनाने का काम शुरू कर दिया। ये है शाओकाई चौंग। जिंदगी में इसकी एक ही ख्वाहिश है कि इसका शुशैन में दाखिला हो जाए। 3 बार नाकामयाब होने के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। ये कभी भी परीक्षा दे सके, इसीलिए इसी छोटे गांव में रहता है। कैसे हो तू? यूइंग जी, यूइंग नान, लो। ये तू है। हम रात में इसे हमारे घर में रहने देते हैं। मैंने सुना है कि इसकी माँ इसके पिता की मौत के बाद इसकी बहन को लेकर कहीं चली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो इसकी बेवकूफी से परेशान होकर चली गई थी। वैसे ये बड़ा ईमानदार है, पर इसकी ईमानदारी की वजह से बदकिस्मती से ये मेरे भाई का दोस्त बन गया। शुक्रिया यूंग जी, शुक्रिया यूंग नान। रुको, छाते तो ले जाओ। अरे हाँ। मैं? ये है चाचा वांग, वांग जिंगले। मैंने इन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। ये लीजिए चाचा। खास करके तब जब मेरा भाई आसपास हो। इस गांव में मेरा बस एक ही दोस्त है, वो है शाओलांग। उससे मेरी बहुत बनती है, लेकिन इस समय वो अपने पिता के साथ जुआ खेलने गया होगा। कुछ होशियारी मत करो। क्या पता वो जुआरी कहाँ है जो हर दाव हारता है। सुनो, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, पर एक बात समझ लो, मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं 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 नहीं, वो वही जुआरी है। ये बिल्कुल सच कह रहा है। आप इस गांव के नहीं हो ना, इसलिए आप ये सब नहीं जानते। जो भी उसके साथ खेलेगा वो जीत कर ही रहेगा। वो हमारी किस्मत बदल कर रख देगा। ए, जा, अब उठ भी जा।
क्या घर के अंदर कोई है? ये जींस यांग एक बिना छानी हुई सफेद शराब है, और अच्छी शराब में ज्यादा पानी होता है। मैं ये सारी पी जाऊंगा। चुप कर और चल अब उठ, और उठ के जुआ खेल। जुआ? कौन जुआ खेलेगा? जुआ जुआ कौन मेरे साथ जुआ खेलेगा? अरे मैं खोल देता हूँ। दाव के लगेगा। पहले उधर तो चलो। पहले तुम चलो बड़ा दाव लगाते हैं, जो भी जीतेगा वो सारा माल ले जाएगा। तुम गरीब लगते हो, मुझसे उधार ले लो, ब्याज भी नहीं लूंगा। तूने तो कहा था कि एक पनौती है, तो इतना जीता कैसे? तुम मेरी बात सुनो, शुरू में जो जीतते हैं वो आखिर में हार जाते हैं, तुमने सुना नहीं क्या? देखना इस बार वो पक्का हारेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। पासे फेंको, पासे फेंको, पासे फेंको, पासे फेंको, पासे फेंको। अब मजा आएगा। छः छः पाँच। तो अब मुझे जीतने के लिए तीन छः चाहिए। सही कहा। मुझे देखने दो। अब मैं क्या करूं? इस बार ये मुझे हरा नहीं पाएगा। रास्ता दीजिए। बाबा घर चलिए, यिंगलान के जन्मदिन की दावत में भी जाना है। बेटे होकर तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे कहीं के। बाप की मदद करो। देखते नहीं मैं जुआ खेल रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। मुझे खरगोश से बहुत डर लगता है। कर 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 बहन को सुनो। कह सुनो ता जी, अलग अलग हो जाओ, भागो। अरे अरे ये मेरा खरगोश वहीं रहेगा। जान दो, मैं तुम्हें और खरीद दूंगा। अरे मेरी जान को खतरा है, खरगोश की बड़ी है। मेरी दाढ़ी, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मुझे भूख लगी है। मुझे खाना है। इसे मुझसे लेकर दिखाओ, फिर खा सकती हो। मुझे दो। आओ पकड़ो। इधर ला। प्लीज।
पिताजी, मुझे छोड़कर आप क्यों चले गए? जाओ चाचा, उस दिन पागल का नाटक किया, आज मरने का कर रहे हो, बाद में किसी को दिखोगे तो पता चल जाएगा। चुप रहो, जाओ यहाँ से। कहाँ चुप कर बैठा है? बाहर निकल, बाहर निकल। जाओ चाचा, क्यों चले गए? कहाँ है? बाहर निकल। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। चाचा, तुम उधर मत देखो। मर गया। कोई नई बात नहीं है, चिंता मत करो, खाना खा लो। तंदूरी चिकन? हाँ? ये मेरी बनाई हुई मिठाई है यिंगनान, अब तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। माँ, पर हमें ये मिठाई तो रात में खानी चाहिए ना। यिंगनान, रात में मैं और तुम्हारा भाई शिकार पर जा रहे हैं और देरी से लौटेंगे। देखो तो, सभी तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं। हर साल यही होता है, किसी और दिन शिकार पर नहीं जा सकते, मेरे जन्मदिन पर ही जाना होता है। अरे तुम यूयिन नान के लिए तोहफा लाए हो ना? दो, जल्दी जल्दी। क्या कहा, तोहफा लाए हो? कहीं वो मेरा पसंदीदा बटवा तो नहीं है? यूयिन नान, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये एक छाता है, तुम्हारे बहुत काम आएगा, मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। सुनो तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे गाँव में चारों तरफ छाते ही छाते भरे पड़े हुए हैं। शुजुचोंग, तुम भी मुझे कोई छाता ही तो नहीं देने वाले? पर मेरा छाता कमाल का है, इस पर तस्वीर बनाई है, देखो देखो ना, है ना तुम्हारे जैसी? तुम्हारे जैसी दिखती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। ये देखो यिंगनान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, कितना प्यारा है। तुम्हारा शुक्रिया शावलांग, तुम ही मुझे अच्छे से जानते हो, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इससे अच्छा तोहफा कभी नहीं मिला। तुम कितने सुंदर हो, तो फिर मैं तुम्हें राजकुमार बुलाऊंगी। राजकुमार? हाँ भाई, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? अब ऐसा मत कहना तुम वो नहीं लेकर आए। तोहफा? तुम्हें तो सबसे अच्छा तोहफा मिल गया ना। मैं रसोई में जाता हूँ, बहुत भूख लगी है, अभी आया। यूइंग जी, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा सा तोहफा भी नहीं ला सकते? तुम्हें तोहफा चाहिए ना, तो ये लो। ये कैसा तोहफा है? बहुत गुस्सा आता है ना, इसके साथ डुबकी लगा के दिमाग शांत कर लो। मेरे आने से पहले ही शुरू कर दिया। तुम सब मेरा सारा केक कैसे खा सकते हो? मुझे साल में सिर्फ ये एक ही बार मिलता है। शाला,
वो दोनों सबसे बड़े हैं। तुम तो भागो मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तंदूरी चिकन वापस करो। वांग चाचा आप जश्न पूरा हुआ, हमें जाना चाहिए। वांग चाचा सुनो वांग, अंदर चलकर कुछ खा लो, अभी समय है। माँ तुम काले जंगल में नहीं जाओगी ठीक है ना? मैं घर में अकेली नहीं रहना चाहती। इंगनान हम जल्द वापस आएंगे, तुम घर में ही रहना। हाँ कुछ लोग ये दिन भूल सकते हैं और ये भी कि वो कौन है, पर मैं नहीं। हथियार लेकर आओ। माँ नहीं तो मैं भी आप लोगों के साथ आती हूँ, वादा करती हूँ मैं कोई भी शैतानी नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ बहुत सी शैतानी चीजें हैं। इंगनान तुम घर पर हमारा इंतजार करो। हाँ माँ सही कह रही, उस जंगल के अंदर कुछ शैतानी चीजें हैं। चुपचाप घर में रहो और अपने खरगोश के साथ खेलो। चलो तू चलते हैं। चलो यिंगनान कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। क्या तुम्हारे साथ रुकता हूँ, चलो घर चलो। बाबा मुझे उतारिए, यिंगनान यिंगनान उतारिए मुझे। शेजू चोंग ने तो इस बार हद ही कर दी। क्या मैं इतनी बदसूरत दिखती हूँ? और ऊपर से वो वांग चाचा हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, जैसे कि जन्मदिन मनाने एक बुरी बात हो। कम से कम तुम तो मेरे साथ हो राजकुमार। और तुम हो बदमाश। युनची ने जरूर मुझे परेशान करने के लिए कहा होगा। खेल रहे हो? उसने तोहफे में दिया ही है तो तुम्हारा नाम भी रख देते हैं। क्या नाम रखना चाहिए? अब से मैं तुम्हें शाओफे कहूंगी। उम्मीद है कि आगे चलकर तुम तेज दौड़ पाओगे। तुम दोनों में से तेज कौन दौड़ता है देखे। राजकुमार कहाँ जा रहे हो? चलो वरिष्ठ बताइए, रक्षक की रस्म शुरू करें? सब सुनो, अभी से रस्म शुरू की जाती है। राजकुमार रुको, भागो मत। जंगल, माने कहा था कि काले जंगल में बहुत से राक्षस हैं और मैं वहां अंदर नहीं जा सकती।
लेकिन अगर शालोंग को पता चला कि उसका दिया हुआ खरगोश मैंने खो दिया है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। राजकुमार कहाँ चला गया? राजकुमार, राजकुमार, मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ। सुनिए, क्या आपको यहाँ कोई सफेद खरगोश नजर आया? उसके गले में एक हार भी था। वहाँ बाईं ओर, शुक्रिया। राजकुमार, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। राजकुमार, क्या तुम एक इंसान बन गए हो? राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है? हे ऊपर वाले, यही मेरे सपनों का राजकुमार होगा। मेरे जन्मदिन की ख्वाहिश पूरी हो गई। आत्मा से आग दूर हुई, दिल में ज्योत जलती है। ऊपर वाले ने हमें ऐसा तोहफा दिया है, वो दिया भी जला सकता है और सब कुछ खाक भी कर सकता है। ये अनंत अग्नि हम हुओं के लोगों को अलग बनाती है। ऐसी पहचान होने से हम लोग दुनिया से बाहर रह सकते हैं। वो आज का ही दिन है जब 3 साल पहले मेरे दोस्त मारे गए थे। मैं वयस्कों की कसम खाती हूँ कि उस हादसे में मारे गए मेरे सारे दोस्तों को मैं याद रखूंगी।
मरे हुओं को शांति मिले और जीवित आगे बढ़ते रहे। कई पीढ़ियों से हुओली के लोगों ने बहुत दुख झेले हैं और हुओली के लोगों का रक्षक होने के तौर पर मैंने मेरे लोगों को इस बुरे सपने से बाहर निकालने की ठान ली है। हमारे पूर्वज असल में पर्वतों पर रहने वाले बंजारे थे। वो खान खोदकर गुजर बसर करते थे मगर उनके इस जीवन शैली पर एक हादसे की वजह से रोक पड़ गई। जब एक दिन एक पत्थर का सीना चीरते हुए एक लहू जैसा लाल गहना आसमान की ओर उछल पड़ा, वो एक जादुई पत्थर था। उस जादुई पत्थर ने पहाड़ी बंजारों के दिल जला दिए। एक झुलसा देने वाली लपट उनके बदन से गुजर रही थी। दिल जलाने वाला दर्द बहुत देर तक रहा और वो उसे खत्म भी नहीं कर पाए और उसी पल से वो अनंत अग्नि वाले होली के लोग बन गए। और जब एक दिन उस जादुई पत्थर को हिलाया गया तब अनंत अग्नि बाहर आ गई। वो तड़प रहे थे। खुशकिस्मती से ऊपर वाले ने उन पर दया कर दी। होली के पूर्वजों को एक ऐसी जगह मिल गई जहां वो अंदर अग्नि को कुछ देर के लिए शांत कर सकते थे। एक हिम मंदिर, वहां हजारों सालों से पहाड़ियों की गहराइयों में जमी हुई ठंडी बर्फ 4 सालों से पिघली नहीं थी। वहां की ठंड होली लोगों के बदन के अंदर की अनंत अग्नि को शांत कर सकती थी और कुछ समय के लिए जलन को रोक सकती थी। पर यह उपाय ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। जिंदा रहने के लिए होली के पूर्वज मदद के लिए शुवांजी संप्रदाय की तरफ मुड़े, जिनके पास हजारों ग्रंथों के संग्रह और आकाश की अंतर्दृष्टि थी। शुवांजी संप्रदाय ने होली समाज के लोगों को हो फेंग नाम का एक जादुई जानवर प्रदान किया। हर 24 साल में वो होली समाज के एक बच्चे को चुनता था और वो उसे उस जादुई पत्थर को स्थिर करने की पालनहार शक्ति प्रदान करता था। जादुई पत्थर को स्थिर करने के लिए पालनहार को उसकी जान की कुर्बानी देनी पड़ती थी ताकि और 24 सालों तक लोगों की सुरक्षा बनी रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी पालनहारों द्वारा दी गई कुर्बानियां ही होली समाज के जीवन चक्र को स्थिर बनाती है। 3 साल पहले वो समय जादुई पत्थर हिलने का नहीं था लेकिन अनंत अग्नि इंसानों के बदन में सुलगी और कई जाने गई। आज सब लोग सोचते हैं कि होली समाज अब नहीं रहा लेकिन अब उस जादुई पत्थर के हिलने का समय करीब आ गया है और अब जरूरत है कि पालनहार अपनी शक्तियों से जादुई पत्थर को स्थिर करे। लेकिन एक पालनहार होकर भी मैंने मेरी शक्तियां खो दी हैं। पूर्वज, होली समाज का 48वां पालनहार युयुंगची यहां शपथ लेता है कि मैं अपने होली समाज की जी जान से रक्षा करूंगा। प्रभु होली समाज को आशीर्वाद दे। यहाँ प्रार्थना करने से अच्छा है 3 साल पहले क्या हुआ था ये पता लगाया जाए। हाँ, हमारे अंदर की अनंत अग्नि तभी बाहर आएगी जब वो पत्थर हिलेगा। मगर वो जादुई पत्थर हर 24 साल में ही जीवित होता है। 3 साल पहले एक स्थिर समय आ जाना चाहिए था। लगता है हाँ, सबने वो देखा ही होगा। 3 साल पहले उस हादसे में कई सारी किरणें सुशांत से बाहर आकर जंगल की ओर जा रही थी। शायद वो चीज पत्थर के साथ लड़ते हुए 5 तत्वों के बीच बांटी गई थी। उसके बिना वो जादुई पत्थर ऐसे ही अस्थिर रहेगा और अब मुझे लगता है कि इन हालातों में शायद उस जादुई पत्थर के दखल देने का समय आ गया है। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, हमेशा से सुशांत ही उसका ख्याल रखता है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें ही कोई समस्या है, नहीं तो फिर हम सुशांत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लोगों को लगता है कि होली समाज अब मौजूद नहीं है। अगर हमने सुशांत पर दबाव डाला तो वो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगा। वो जादुई पत्थर अब जीवित ही होने वाला है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें यकीन है कि वो हादसा फिर से नहीं होगा? तब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल जानता हूं। पालनहार को उसे शांत करने देना है। शुआंगजियो ने भविष्यवाणी की थी
कि युइंग जी आखिरी पीढ़ी का रक्षक होगा। इसका मतलब यह है कि यह ना सिर्फ पत्थर को शांत कर सकता है बल्कि उसे नष्ट भी कर सकता है। पर जैसा कि तुम देख सकते हो, इसकी आंखें सुनहरी नहीं है, काली है। इसका मतलब है कि इसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अगर ये अभी उस पत्थर को नष्ट करता है तो फिर ये मर जाएगा। अगर कोशिश ही नहीं की तो पता कैसे चलेगा क्या सच है? शांत हो जाइए। रक्षक होने के नाते शक्तियों को पाकर सबकी रक्षा करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। यिंगजी। माँ, एक रक्षक होकर शक्तियां खोना मतलब कर्तव्यों को खो देना है। इतने सालों से होली समाज ने बहुत कुछ सहा है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं। हाँ माँ। भैया भैया देखो, यहाँ एक खरगोश आया है। ये तो युइंगनान का खरगोश है। ये यहाँ कैसे? क्या वो इसे ढूंढने जंगल में आई होगी? इसका ख्याल रखना, मैं जंगल में जा रहा हूँ। यिंगजी। मैंने मना किया था ना जंगल में मत आना, तुम कभी कोई बात नहीं सुनती। अब चलो। लेकिन मैं राइस बॉल को अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो। भाई, भाई, छोड़ दो मेरे भाई को। तुम ठीक हो ना? युइंगनान युइंगजी, रक्षक होकर भी मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं खतरे में अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। जरा सुनो, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा शुक्रिया राजकुमार। मेरा मतलब है कि मुझे अभी तुम्हारा नाम नहीं पता है ना? मेरा नाम है बाई गुई। हालात जरा बिगड़ गए थे, मुझे माफ करना, पर मैंने शैतान को मार दिया है, अब कोई खतरा नहीं है। तुम बहुत ही अच्छे हो। मेरा भाई कहाँ गया? युइंगजी ऐसा ही है, जरूरत के समय गायब हो जाता है। तुम बहुत अच्छे से लड़ाई करते हो। तुम्हें तो चोट आई है? कुछ नहीं। नहीं नहीं, मुझे दिखाओ। तुम्हें इलाज की जरूरत है, मर्द हुए तो क्या हुआ, तुम्हें भी दर्द हो सकता है। मुझे देखने दो, लाओ जरा। तुम्हारी गर्दन पर ये एक जंगली सुअर ने काटा था। सुअर ने काटा था? बहुत गंदा दिखता है ना, मैं हमेशा इसे ढककर ही रखती हूँ। गंदा नहीं दिखता। हाँ, क्या कहा? गंदा नहीं दिखता। हाँ सही कहा। हाँ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि समय हो गया है, मुझे मुर्दों की पूजा करने जाना है। ओह, तो तुम्हें जाना चाहिए, मैं खुद घर जा सकती हूँ। सच में तुम्हें घर का रास्ता पता है?
मुझ पर यकीन करो, मुझे यहाँ का सब पता है। अच्छी बात है, तो फिर कोचब सितारे की दिशा की ओर आधे पहर तक चलती हुई जाओ, जंगल से बाहर निकल जाओगी, समझ गई ना? हे ऊपर वाले, क्या अंदाज से बात करता है, ये मुस्कुराता है तो इसकी आंखों में तारे क्यों चमकते हैं? देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए, चलता हूँ। हाँ, कितनी बेवकूफ हूँ, उसे अपना नाम बताना ही भूल गई। मेरा नाम यूइंग नान है, यूइंग नान। हाँ, जूही सितारा। आओ जल्दी करो। यूइंग जी, बदन से आग बाहर आई थी। आखिर इसके साथ हुआ क्या है? इसने आग का इस्तेमाल किया, अच्छा हुआ मैं वहीं पर था, नहीं तो ये मर गया होता। यूइंग जी, यूइंग जी, यूइंग जी, यूइंग जी। Sure.